Hi friends, welcome in the new video of inserting the data, inserting the data of accounts. Now we have already covered the lead, task, product, price book and price book entry. If you have some query, please you can ask, you can give your comments, and if you have something to learn or you have some pain area in the data migration, so you can ask anytime. Thank you. Now we are going to insert the accounts here. So accounts data ko hum insert karenge. So let's go to the accounts data here. So we have the accounts, right? So which is there, like accounts, yeah. So we have accounts data here. अननेसेसरी फाइल्स को हम बंद कर देते हैं, पीबी बंद करते हैं, ओके, फेसबुक एंट्री भी बंद कर देते हैं, प्रोडक्ट की भी ज़रूरत नहीं है ना. कम टू द अकाउंट डेटा. सो वी हैव द अकाउंट डेटा. आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द अकाउंट्स नेम एंड ऑल हेयर, राइट? सो वी हैव द एक्सटर्नल आईडी. ऑब्वियसली इट्स अ यूनिक आईडी. नेम मैंने एक न्यू नेम दे दिया. आई डोंट नो व्हाई, नेम ही रखते हैं, इसको डिलीट करते हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई. ओके, ये हो गया बिलिंग, सिटी, स्टेट एंड देन वेरी सिंपल डेटा, राइट? सो लेट्स इंसर्ट दिस डेटा. नाउ व्हाट हैपेंड इफ यू नीड सम मोर अकाउंट्स, राइट? लाइक सपोज कीजिए मुझे कुछ डमी अकाउंट्स डालने हैं, तो डमी अकाउंट डालने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी डेटा की. लाइक आई वांट टू ऐड सम मोर डमी अकाउंट्स. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मैंने जैसे ये सेलेक्ट किया 12 और 13, इट विल ऑटोमेटिकली ड्रैग 15, 16, 17 एंड देन स्टेट. आई कैन कॉपी एंड पेस्ट दिस, राइट? नेम आई कैन राइट द नेम. So instead of writing some name of the company, what you can do, you can use the address function here. Address function, what it will do, it will require a row 1 or column 1, right? So row 1, column भी 1. तो क्या मुझे return आएगा इसका? A1. यही मेरी row थी और यही मेरा column था. Column number 1, row number 1. अब यहाँ पर थोड़ा हम ट्रिकी कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस को यूज़ करके रो तो हमेशा मेरा वन रहे, लेकिन जो मेरा ये कॉलम है वो बढ़ जाए. यानी कि मैंने इसको दे दिया 1, 2, 3, 4, 4 दे दिया, तो यानी कि 1234th नंबर वाला जो कॉलम है उसका एक आ जाएगा मेरे पास, राइट? विच इज़ AUL, राइट? इंस्टेड ऑफ दिस I need 4 digit, right? So मैं 4 digit का डालता हूँ. C अभी भी नहीं आया. ओके, ओके, 3 digit का ही रहने देते हैं. तो यहां पर बन गया आपका this one VMX. इसको मैं ड्रैग करता हूँ तो ये सारा देखिएगा VMX, राइट? तो VMX क्या है, एक कॉलम का नेम है जो कि एक नेम बना रहा है मेरा, राइट? तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये यहाँ पर भी इतना ही कॉलम नंबर है 1534, यहाँ पर भी सेम कॉलम नंबर है. तो मैं डायनेमिकली चेंज करके इसको चेंज कर सकता हूँ. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनी नंबर, सो वी कैन यूज रो कमांड. लेट्स से मैंने इसको कर दिया 1, 2, 3, 4, राइट? कॉलन सेम 8908 8908. सो 8908 8908 रो नंबर एंड देन ओके. सो 8908 पे जो भी रो नंबर था वो उसका MDP आ गया. इसको मैंने ड्रैग किया. नाउ ये नंबर चेंज हुआ, 9 हो गया, देन नंबर चेंज हुआ, 10 हो गया. तो ऑटोमेटिकली ये नेम भी चेंज हो गया और इसको उठा के मैंने
वैल्यू पेस्ट कर दिया है, कॉपी करके वैल्यू पेस्ट किया। आई होप यू आर अवेयर अबाउट दिस, ठीक है। एंड देन क्या मैं कर सकता हूँ कि यहाँ पर जो वन है और डॉलर साइन है, इसको मैं सिंपली कंट्रोल एच, डॉलर साइन को सेलेक्ट कर लिया है तो उसमें जितने डॉलर घट गए, वन को कर लिया है रिप्लेस, देखिए वन भी हट गया। तो मेरे तीन डिफरेंट नेम हो गए हैं। ये तो मैंने तीन पे किया। अगर मान लीजिए आपको 10,000, 15,000, 100, 200 बनाने हैं तो यू कैन यूज़ दी एड्रेस फार्मूला, तो इट विल गिव यू फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ वर्किंग, लाइक बहुत शॉर्ट शॉर्ट स्पेन ऑफ, यू कैन क्रिएट अ डेटा इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, राइट। सेम वे में इसको हम इसको लेके इसको प्लस वन कर देते हैं, सो दैट नंबर कुड बी अ डिफरेंट, और कोई भी लेके हम इसको यहाँ डाल देते हैं डेटा को, राइट। कोई भी डेट को भी हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, राइट। तो ये मेरा डेटा एक्स्ट्रा क्रिएट हो गया है यहाँ पर। तो जस्ट टू ऐड अ फीचर ऑफ एक्सेल मैं आपको ये बताया है, सो दैट यू कैन यूज़, जब आप बड़ा डेटा बना रहे हो, आपको किसी ने कहा 100 रिकॉर्ड बनाने, तो 100 नाम नहीं लिखोगे आप कुछ भी चार नाम इस तरह से एड्रेस फार्मूला लिख के, रो फंक्शन क्या करता है, जब हम रो फंक्शन करते हैं और जो भी उसके रो का नंबर देते हैं, मैंने कहा 32 32 32, सो ये 32 नंबर 32 दिखाएगा, राइट। इसको मैं ड्रैग करूँगा तो ये 34 35 हो जाएगा, लेकिन जब मैं इसी रो नंबर को एड्रेस के अंदर डालूंगा, एड्रेस, अब कॉलम नंबर तो रो नंबर तो मेरा फिक्स हो गया, वन ही चाहिए मुझे, लेकिन कॉलम नंबर को चेंज करने के लिए मैंने इसको कॉमा, कॉलम नेम डालने के लिए मैंने इसको 23 नंबर दिया दिया। तो 23 नंबर पे जो कॉलम होगा वो उसका टेक्स्ट दिखा देगा, मतलब 1 2 ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी अलजेब्रा होगा वो मुझे दिखा देगा। तो ये पर्पज़ है, इस तरह से हम काम करते हैं, राइट। ओके, तो सेव करते हैं इसको, देन अगेन सेम थिंग, गो टू द डेटा लोडर, इंसर्ट, ओके, अकाउंट मेरा पहले ही है, इंसर्ट, गो टू दिस अकाउंट्स, सिक्सटीन ऑटो मैप, ऑल आर मैप्ड, ओनली बिलिंग स्टेट, ओके, बिलिंग स्टेट कहाँ गया कहाँ गया, वेर इज बिलिंग स्टेट, बिलिंग कंट्री, बिलिंग स्टेट, अच्छा ये क्या है फिर, ओके आई थिंक देर इज सम डिफरेंस, ओके रिपीट हो गया है ये, ओके ठीक है, ये रिपीट हो गया है, इसको हम एज ही छोड़ देते हैं, ओके डन। सेव मैपिंग कर लेते हैं, अकाउंट की भी मैपिंग हो जाएगी मेरी, सो अकाउंट, ओके ओके एंड देन नाउ 16 रिकॉर्ड हैज बीन इंसर्टेड इनटू द सेल्सफोर्स, नाउ क्लोज this because we have the success file, right? So we have the success file of account, account success, okay, delete, error चाहिए ही नहीं था उसमें, कोई error ही नहीं था हमारा, go to this, so we have the ID, we have the new ID here, copy paste and then go to my index, अकाउंट्स पेस्टेड, इसको मैं आगे ले लेता हूँ, वी लुक अप, दैट्स इट। नाउ इसको डिलीट कर देते हैं, सॉरी क्लोज कर देते हैं, नॉट डिलीटेड, ओके नाउ वी हैव इंसर्टेड ऑल माय अकाउंट्स हियर, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेयर विल इंसर्ट दी कॉन्टैक्ट।
थैंक यू।